नमस्कार दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो आइए आप जानते हैं सीधी शहर की जनता किस पार्टी की ओर विचार कर रही है, किसको सत्ता सौंपना चाहती है। राम राम भाइयों, आज हम सीधी में आपको सीधी के कॉलोनी में ले चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे जनचर्चा करते हैं लोगों से और देखते हैं किस पार्टी के लिए, कौन सी पार्टी के लिए ये लोग इस बार सत्ता सौंपने की विचारधारा बनाए हुए हैं। आइए चलते हैं, पूछते हैं भाई जिसे। भैया बताइए, शुभ नाम चलिए हो गया, ये नहीं बताना चाहते क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग कैमरे के सामने आने से डर जाते हैं। ये आप शुभ नाम क्या लिखते हैं दादा? हम तो सुभाष चंद्र सोनी लिखते हैं जी। हमारे हिसाब से ये है कि इस बार कि कौन सी सत्ता आनी चाहिए, इसके लिए हम आप लोगों की राय जानना चाहते हैं। अब राय क्या, हमारी राय लेंगे हम, हमारे राय से थोड़ी होगा। नहीं नहीं, आप जैसे तो चल रहा है, बिल्कुल शुरू है, अब देखते हैं कौन किसको है। कौन सी बीजेपी और कांग्रेस दो बड़ी पार्टियां हैं जो ये सब अपने ऊपर नेता पर निर्भर करता है, कौन सा नेता यहाँ सीधी से हमारे खड़ा हो रहा है। बिल्कुल। अब कांग्रेस में तो अभी कोई सामने है नहीं। बिल्कुल। है बिल्कुल। और पुराने में रीति पाठक है। बिल्कुल। तो वो है ही है अभी। अब जब देखा जाएगा क्या होगा। कहने का मतलब कि पार्टी से कोई विशेष संबंध नहीं है, नेता के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, नेता के व्यक्तिगत संबंध के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अभी तक नेता कांग्रेस से कोई सामने नहीं आया है और अभी पता तो है नहीं अब क्या होता है आगे। अच्छा, चलिए, धन्यवाद दादा आपका। राम राम भैया जी। जी जी, क्या शुभ नाम लिखते हैं जी? कनिष्क सिंह चौहान। कनिष्क सिंह चौहान, आप युवा वर्ग से हैं, युवा भाई हैं, आपके हिसाब से अभी देश में केंद्र सरकार में कौन सी सत्ता आनी चाहिए कि युवाओं को रोजगार मिल सके, युवाओं को अच्छी शिक्षा मिल सके? जी साहब, क्या बताएं, हम लोग खुद ही जो है तो रोजगार के लिए घूम रहे हैं। बिल्कुल जी सर, हमारे हिसाब से नरेंद्र मोदी सरकार आनी चाहिए एक बार फिर से। क्यों आनी चाहिए? कोई ऐसा एक दो काम बताइए जो मोदी जी ने देश के लिए और समाज के लिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि समाज के लिए उन्होंने क्या किया मोदी जी ने? सर बहुत कुछ किया उन्होंने। जैसे एक दो सर, आज अगर हमें देश की अर्थव्यवस्था अगर आप देख रहे हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था 7 नंबर पे है। आज अर्थव्यवस्था पे न जाइए, पहले नहीं, आप नंबर पे है। आप यहाँ की जो है सिस्टम चल रहा है देश में, जो यहाँ कानून प्रशासन से लेकर जो यहाँ आजकल देश में जो महिलाएं इसलिए महिलाएं वगैरह हैं जो आज इतना सुरक्षित घूम रही हैं हर जगह, ये आप कांग्रेस सरकार नहीं पाते। बिल्कुल नहीं। गौरी लंकेश जी की जब हत्या हुई थी, गौरी लंकेश जी के हत्या में केंद्र सरकार में जो हमारे पीएम साहब हैं उन्होंने उन पर कुछ गलत टिप्पणियां की थी, अभद्र टिप्पणियां की थी, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी? इसकी जानकारी तो हमको नहीं है सर। अच्छा चलिए, धन्यवाद। तो आपके हिसाब से मतलब है मोदी जी सही रहेंगे? जी जी, मोदी जी। बिल्कुल, धन्यवाद। आइए और पूछते हैं किन्हीं भाई से, देखते हैं कौन बता सकता है। भैया जी, भैया जी आइए। राम राम, क्या शुभ नाम लिखते हैं भैया जी? क्या शुभ नाम लिखते हैं? अवनिंद्र मिश्रा। अवनिंद्र मिश्रा, हम लोग ये पूछ रहे हैं लोगों से कि इस बार कौन सी सत्ता केंद्र में आनी चाहिए कि लोगों का विकास हो सके, ये रोजगार मिल सके युवाओं को और अपनी आर्थिक स्थिति सही हो सके। तो आपके हिसाब से कौन लगता है कि कौन ये सब दे पाएगा? ये मोदी की सरकार ही ठीक रहेगी। मोदी की सरकार ठीक रहेगी, ये सारी चीज़ें दे पाएगी। लेकिन ये अगर बेरोजगारी में देखा जाए, मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन आरटीआई से पता चला कि 50,000 लोगों को भी उन्होंने रोजगार नहीं दे पाया। भाजपा हटाओ देश बचाओ, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसमें कुछ कहना? मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब आपके हिसाब से कौन सी पार्टी आए? कोई भी आए, कोई भी पार्टी आए। चलिए दादा के हिसाब से कोई भी पार्टी आए। आइए और पूछ लेते हैं भाई लोग हैं। राम राम भैया, क्या शुभ नाम लिखते हैं? सर अभी मिल चुके हैं आप। सर क्या शुभ नाम लिखते हैं? अच्छा बोलो, क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम गिरीश कुमार सिंह। गिरीश कुमार, अच्छा आपके क्या करते हैं, क्या बिजनेस है आपका? मैं दुकान करता हूँ। अच्छा दुकान अभी नहीं डाले हैं आप? नहीं, अभी रूटीन में तो ना होगी कि चलती है? अभी रूटीन में आई नहीं। और ये जानना चाह रहा था कि इस बार कौन सी सत्ता आनी चाहिए केंद्र सरकार में कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, सबके लिए एक समानता का अधिकार दे, हर जाति वर्ग के लिए एक समानता का अधिकार लाए? मोदी।
मोदी समानता का अधिकार ला सकता है, सब करेगा, मोदी कर सकता है, दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता। मोदी की बात कर रहे हैं आप, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर समानता का अधिकार देना होता उनको तो वो अध्यादेश एससी एसटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ना लेकर जाते। आने वाले टाइम में सब सेटल हो जाएगा, फिलहाल अभी। अच्छा, ये भरोसा है आने वाले टाइम में सेटल हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले टाइम में भाई जी बोल रहे हैं कि सब सेटल हो जाएगा, हो सकता है मोदी जी सेटल करें। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे भाई जी? चलिए धन्यवाद। और देख लेते हैं कौन कोई युवा भाई अपने जो हैं, तो देख मित्रों सुन रहे हैं आपकी लोग यहाँ मोदी की चर्चा कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आगे सेटल हो जाएगा जो भी मामला है। और आइए और कुछ युवाओं से पूछ लेते हैं। सीधी में हम एक कॉलोनी में हैं, वहाँ की जनता से। राम राम भैया जी। राम राम भैया जी, क्या शुभ नाम लिखते हैं? कृष्ण कुमार सिंह चौहान, जमोड़ी। कृष्ण कुमार सिंह चौहान जी हैं, जमोड़ी से हैं। तो ये जानना चाहता था कि इस बार आपके हिसाब से कौन सी सत्ता आनी चाहिए केंद्र में कि विकास हो सके लोगों का? भारतीय जनता पार्टी को आनी चाहिए क्योंकि विकास उसी से है। भारतीय जनता पार्टी में कोई विकास आपको दिखा जो? बहुत दिखा, रोड बनी, बिजली बनी, पानी, ये सब है। रोड, बिजली, पानी, ये सब है। जहाँ तक लोग कहते हैं कि समानता का अधिकार, आज लोगों के, लोग ये कहते हैं, स्टूडेंट वर्ग, जनरल और ओबीसी वर्ग आज ये कह रहा है कि समानता का अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, किसी के पास समानता का अधिकार नहीं है। नहीं, इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जो मोदी ने आरक्षण सबको दिया है, सामान्य वर्गों को भी 10% दिया और गरीबों को घर बनवा दिया, जो कि कांग्रेस 40 साल में सरकार में ये काम नहीं किया। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। धन्यवाद। और किसे पूछ ले? आंटी जी से आइए पूछ लेते हैं। आंटी जी अपना। हमका पाई, हमका तो मोदी कुछ ध्यान नहीं है तो बता दे को पाई। आंटी जी बता रही हैं, कुछ सुन लीजिए आप लोग। ना हमारा लाइट है, ना हमारा बिजली है, तो हम क्या करें? हकीकत में देखा जाए तो असलियत यहीं से सामने आ रही, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से गरीब वर्ग हैं और कहीं ना कहीं से गांव से ताल्लुक रखती हैं, इसलिए इनके पास हमारा लाइट नहीं है भाई, इसलिए इनके पास अभी इस तरह की व्यवस्था नहीं पहुँच पाई। क्या क्या व्यवस्था आपके पास? घर मिला आपको, आवास योजना? नहीं, को बिजली है आपके? नहीं। पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था नल करा है, जैसे कहीं। तो धन्यवाद आपका। इस बार किसको आप लाना चाहेंगे सत्ते में? किसको आप सत्ते में लाना चाहेंगे? अब ये कि सब नहीं थे। चलिए धन्यवाद। आंटी जी का कहना है कि जिनको सब वोट देंगे और उन्हीं को हम भी देंगे, लेकिन आपने सुना कि आंटी जी के यहाँ ना तो उनको घर मिला, ना तो बिजली है, ना तो पानी है, फिर भी ये किसी न किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रही हैं। और कौन से भाई से पूछ लें? भाई वोट डालते हो? तुम नहीं डालते होगे, आप भी नहीं डालते हैं? ठाकुर साहब बताइए। अच्छा ठाकुर साहब बताइए ही। अच्छा ठाकुर साहब बताइए ही। अच्छा ठीक है, चलिए आइए भैया जी से पूछ लेते हैं। जो व्यापारी हैं, व्यापारियों को जीएसटी लाभ कैसे मिलता है इसके बारे में बता सकते हैं? दादा राम राम। दादा थोड़ा सा, दादा ये जानना चाहते थे, पब्लिक जानना चाहती है कि इस बार जनता किसको चुने सत्ता में, किसको लाए कि इस बार सत्ता में किसको देखना पसंद करेंगे? मोदी को। मोदी को क्या ऐसी चीज है जो मोदी? मोदी की सबसे बड़ी चीज है कि देश के वो कंफर्म है कि वो रक्षा करेगा। आदमी जब देश का रक्षा करेगा तो सब आदमी की रक्षा होगा, क्योंकि अब जो बिजनेस व्यापार वाला है वो जीएसटी लगा के सबको समान कर दिया, एकदम सरल कर दिया। और जो नोटबंदी है, ये सब काले धन वाले को मोदी जी ने कहा था उनकी देश से कितने करोड़ काले धन लाएंगे, तो सब वही तो वापस आए हैं जो आज देश में पैसा है। व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख रुपए? नहीं नहीं, ये सब जुमला है, लेकिन जो ये देश में पैसा आया है सब ये काले धन वाले एक नंबर के बना लिए लाइन में लग के, वही देश में पैसा आया है, उसी से तो देश आगे चल रहा है काले धन। क्या शुभ नाम लिखते हैं? हमारा भाई लाल गुप्ता नाम है। जी मित्रों, आप लोगों ने देखा कि व्यापारी भाई भी कह रहे हैं, सुन ही रहे हैं आप लोग। और दादा से भी पूछ लेते हैं। राम राम दादा। हाँ बताइए। ये थोड़ा सा बता दीजिए कि आपके हिसाब से कौन सी ऐसी पार्टी चाहिए कि जो केंद्र सरकार में आए और अपने देश का और समाज का विकास कर सके? हमारे हिसाब से तो
भारतीय जनता पार्टी ही ठीक है, भारतीय जनता पार्टी आना चाहिए जी, और इसी से देश का भविष्य और कल्याण। बिल्कुल, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी समानता का अधिकार नहीं दे पाती, वो सिर्फ दलितों की बात करनी है, इस पर कुछ कहेंगे आप? हाँ, ये बात सही है। कुछ मतलब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो एससी एसटी का कानून लाया गया था वो निश्चित रूप से उसका अशोभनीय कृत्य था, बिल्कुल समाज और समाज विरोधी कार्य था, और शेष कार्य जो भारतीय जनता पार्टी के थे लगभग ठीक थे। लेकिन उसमें कोई भी पार्टी विरोध तो की नहीं, वो सब पार्टी बराबर के समान हकदार हैं। देखिए, पार्टियां कोई एक दूसरे का विरोध सार्वजनिक तौर पर करती हैं, आप एसटी नहीं करती। एसटी एसटी में सबको करना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे जो भी है, अगर पार्टी भी कोई भी हो तो कोई भी पार्टी नहीं की, तो जितनी दोस्त बीजेपी है उतनी ही दोषी सभी पार्टी है। सभी पार्टियों का कहना बिल्कुल बहुत सही है कि जितनी बीजेपी दोषी है उतनी भी सभी पार्टियां सभी पार्टियां, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जनता प्रताड़ित हो रही है एससी एसटी से, और ना कि कांग्रेस या बीजेपी प्रताड़ित हो रही है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और किसी से पूछ लिया जाए, और तो कोई दिख नहीं रहा है। आइए, मैडम जी दिख रही हैं, मैडम जी से पूछ लिया जाए कि मैडम जी क्या राय देती हैं। और भाई जी भी हैं। राम राम मैम, मैडम राम राम। मैडम क्या शुभ नाम लिखती हैं? भारती सिंह। भारती सिंह, ये बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी ऐसी पार्टी इस बार केंद्र सरकार में आना चाहिए जो समाज का और देश का विकास कर सके? अब इसमें जो अच्छा होगा वही आएगा। मतलब आपके हिसाब से कौन लगता है कि ये अच्छा है? जो नेता अच्छा काम करेगा उसी को आना चाहिए, ना मैं भाजपा के पक्ष में हूँ ना मैं कांग्रेस के पक्ष। चलिए, धन्यवाद। जो नेता अच्छा काम करेगा उसको आना चाहिए, ना बीजेपी से मतलब है ना कांग्रेस से मतलब है। भैया जी से पूछ लेते, राम राम भैया जी। राम राम भैया जी, क्या बताना है सर? ये कि अभी केंद्र सरकार में लोकसभा चुनाव जो चल रहा है, केंद्र सरकार में कौन सी पार्टी को आप देखना चाहेंगे, कौन सी पार्टी को चाहेंगे कि सत्ते में स्थापित हो और काम करे? जी सर, जो अच्छे से जो निष्ठापूर्वक और धर्मपूर्वक काम करेंगे हम उसी पार्टी को चाहते हैं, जो अच्छे से कार्य करे और हमारी समाज में अच्छे कार्य की उन्नति हो हम उसी की पार्टी को चाहते हैं। बिल्कुल, अभी देश में सिर्फ दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, है ना? तो इस पर आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस को मिलना चाहिए सत्ता की बीजेपी को? इस पर देखिए, इलेक्शन होने के बाद ही कन्फर्म हो सकता है, क्योंकि पब्लिक जैसा चाहेगी वैसा होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। भाई जी का कहना है कि इलेक्शन होने के बाद कंफर्म हो पाएगा। सही भी कह रहे हैं कि इलेक्शन होने के बाद जनता का क्या नतीजा देती है, जनता क्या फैसला करती है, ये इलेक्शन के बाद ही पब्लिक को पता चलेगा किसकी सरकार बनती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।